हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज मुझे पार्ट नंबर भूल गया। बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जियांग कहती है, वाओ तुम दोनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। शामू कहता है, क्या तुम सच में सुशिन को डाइवोर्स देना चाहती हो? एक बार और सोच लो, क्योंकि अगर तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया तो फिर वापस उसके पास कभी भी नहीं जा सकती। वो कहती है, हाँ मैंने सोच लिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सुशन की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाए। शामू कहता है, फिर भी एक बार सोच लो, क्या पता सुशन ऐसा ना चाहता हो। वहीं हम सुशन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में नुआन को ट्रैक करते हुए उसी प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ वो दोनों होते हैं। वो आते ही शामू को एक पंच मारता है और कहता है, नुआन कहाँ है? वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। तभी पीछे से नुआन आकर सुशन को शामू से दूर करती है। नुआन कहती है, शामू तुम ठीक तो हो ना? वेल, वो यहाँ जानबूझकर सुशन को इग्नोर करती है और शामू की केयर करती है। नुआन कहती है, सुशन ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने की बहुत कोशिश की मगर नहीं कर पाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स थी वो जा चुकी हैं। वो कहती है, इन दिनों तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया। तुमने मेरे ऊपर नजर रखी, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे ऑफिस की सभी लड़कियां मुझे बुली करती रहीं। सो प्लीज मुझे जाने दो। सुशन कहता है, प्लीज नुआन एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है तुम शामू को पसंद नहीं करती। तुम पिछले 3 सालों से यही झूठ बोलती आई हो। क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा पागल लगता हूँ कि मैं फिर से वही गलती करूंगा जो लास्ट टाइम किया था? मुझे ये तो नहीं पता कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, बट इतना जरूर पता है कि आज मैं तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करने वाला। नुआन कहती है, तुम भरोसा करो या नहीं, लेकिन प्लीज मुझे डाइवोर्स चाहिए। एंड देन शामू के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नुआन सुशिन को याद करके काफी ज्यादा सैड हो रही थी, तो शामू कहता है, अगर तुम उसे मिस कर रही हो तो उसके पास जा सकती हो, मगर अब तुम आगे क्या करने वाली हो? और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम चाहे जो भी करो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारा बस एक बैकअप ही तो हूँ, बैकअप एज अ फ्रेंड। नुआन हंसते हुए कहती है, थैंक्स शामू ब्रदर, बट मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर शामू कार से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम सुशन को देखते हैं एंड वो भी नुआन को काफी मिस कर रहा था। वेल, यहाँ तीनों सैड होते हैं, नुआन सुशन के लिए, सुशन नुआन के लिए एंड शामू इसलिए क्योंकि वो अभी भी नुआन के लिए सिर्फ एक फ्रेंड से ज्यादा और कुछ नहीं है। फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आता है जहाँ जियांग एंड यान्ना मिलकर कुछ प्लान कर रही थी। यान्ना कहती है, आपने जैसा कहा था सब कुछ रेडी है, हमें कुछ न कुछ करके नुआन को यहाँ बुलाना होगा, जिसके बाद हम शामू एंड नुआन को अकेले एक रूम में भेज देंगे। जियांग कहती है, आज तक सुशन ने कभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं किया, मैं भी देखती हूँ जब आज वो उन दोनों को एक रूम में देखेगा तो क्या करेगा। सुशन शामू से कहता है, नुआन कहाँ है, वो आई क्यों नहीं? वो कहता है, क्योंकि तुम यहाँ हो और नुआन तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुशन कहता है, तुम चुपचाप उसे यहाँ लेके आओ, वरना। शामू कहता है, वरना क्या? अगर नुआन तुमसे नहीं मिलना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। फिर चाहे भले ही तुम हमारी कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म क्यों ना कर दो। वो दोनों एक दूसरे से काफी गुस्से में बात कर रहे थे तो दूर से जियांग उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। तो वहीं यान्ना जानबूझकर शामू के कपड़ों में वाइन गिरा देती है। वो कहती है, ओ सॉरी सर, गलती से हो गया, एक काम करिए, आपके सारे कपड़े गंदे हो गए हैं तो आप रूम में जाकर चेंज कर लीजिए। जियांग नुआन को मैसेज करके कहती है, तुम जल्दी से कंपनी आओ क्योंकि सुचेन एंड शामू तुम्हारी वजह से फाइट कर रहे हैं। नुआन जब कंपनी पहुंचती है तो यान्ना उसे डोर काट देते हुए कहती है, आप जल्दी से इस रूम में जाइए क्योंकि मिस्टर शू को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। नेक्स्ट सीन में यान्ना अपनी कंपनी के सभी बड़े क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स को होटल टूर के लिए ले जाती है। वो कहती है, अरे ये तो मिस्टर शॉ का रूम है ना, बट ये खुला क्यों है? अंदर जाकर वो हर जगह शॉ को ढूंढने लगती है एंड देन सामने रखे हुए बैग को देखकर कहती है, ये बैग तो सुशन की वाइफ मिस नुआन का है ना, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? जियांग कहती है, मगर नुआन तो यहाँ आई ही नहीं, वो कल रात को ही मिस्टर शॉ के साथ चली गई थी। एंड देन एक्टिंग करते हुए कहती है, ओ गॉड ये क्या बोल दिया मैंने, ये नहीं बोलना था। पीछे से शामू आकर कहता है,
आप सब मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? यान्ना कहती है, आप और नुआन। वो कहता है, यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम सभी हो। जियांग कहती है, फिर नुआन का बैग यहाँ क्या कर रहा है? यान्ना कहती है, मिस्टर शाओ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने ही बेस्ट फ्रेंड मिस्टर सुशन को धोखा दे रहे हैं, वो भी उसकी वाइफ के साथ। वो हर जगह जाकर नुआन को ढूंढने लगती है, बट उसे वहाँ नुआन नहीं बल्कि टेंशन मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी सामने से नुआन एंड सुशन की एंट्री होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब नुआन कंपनी आ रही थी तो उसे इस बात पे शक तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए उसने रास्ते में अपनी पोजीशन तेंसिन से चेंज कर ली थी। सुशन कहता है, तुम लोगों ने ये सब क्यों किया? अब जल्दी से एक्सप्लेन करो। याना कहती है, वो तो हम बस क्लाइंट्स के साथ यहाँ घूमने आए थे। वो कहता है, अच्छा, शाओ के रूम में? शाओमू कहता है, या तो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो या फिर सुशन के आईक्यू की। जियांग कहती है, हम सच में यहाँ घूमने ही आए थे, लेकिन हमने शाओ का रूम ओपन देखा तो अंदर आ गए। आई एम सॉरी, बट मुझे यान्ना को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। नुआन डोर कार्ड दिखाते हुए कहती है, यान्ना, ये कार्ड तो तुमने मुझे दिया था ना, तो फिर तुमने मुझे मिस्टर शू की जगह शाओमी के रूम का कार्ड क्यों दिया? वो कहती है, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे पता नहीं था कौन सा मिस्टर शाओमी का रूम है एंड कौन सा मिस्टर सुशन का। नुआन कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज का दिन कंपनी के लिए कितना बड़ा दिन है, और तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरी कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़ना चाहती थी। सुशन काफी गुस्से में कहता है, ये सब जिसका भी प्लान था, प्लीज सामने आओ। जियांग आगे जाने ही वाली थी, बट तभी यान्ना कहती है, ये सब मैंने किया है, वो भी अकेले। मैं आपसे नफरत करती थी क्योंकि आपने मेरी कजिन शीशी को कंपनी से बाहर निकाल दिया। मैं नुआन से भी नफरत करती हूँ क्योंकि वो मेरे बाद इस कंपनी में आई है, लेकिन हर चीज में मुझसे बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नुआन की इज्जत ही बर्बाद कर दूं, ताकि आप इस कंपनी में अपना सर भी ना उठा सके। ये सब मैंने किया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। एंड देन कंपनी से रिजाइन करके वहां से चली जाती है। रात में जब वो सभी साथ में बैठे होते हैं तो शाओमू कहता है, कोई भी इंसान साफ साफ बता सकता था कि ये सारा प्लान जियांग का था, बट पता नहीं क्यों यान्ना ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। सुशन कहता है, मुझे पता है, आई नो। जिसे सुनकर शाओमू वॉज लाइक, हाँ तो बेवकूफ, अगर तुझे पता है तो कुछ करना। क्या तुम ऐसे ही जियांग को हमेशा नुआन को परेशान करने देगा? नुआन कहती है, नहीं, तुम जियांग के साथ कुछ नहीं करोगे, वरना वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। सुशन कहता है, क्या नहीं बताएगी? शाओमू कहता है, नुआन, अगर तुम्हें सच में किसी की चिंता है तो प्लीज उसके साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि छिपाने से कुछ नहीं मिलेगा। एंड वहां से चला जाता है। और फिर क्या था, जिसके बाद नुआन सुशन को सब कुछ बता देती है कि जैसे वो 3 सालों तक अमेरिका में जेल में थी और यहाँ अपने डैड के मौत का पता लगाने आई है, क्योंकि उसे शक है कि इन सब के पीछे जियांग का हाथ है। और रही बात ब्रदर शाओमू की, तो उन्होंने अमेरिका में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, मेरे लिए लॉयर ढूंढा और मुझे जेल से बाहर भी निकाला। सुशन कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। वो कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि गलती तो मेरी भी है। मैं अगर उस दिन चुपके से तुम्हारी सील नहीं चुराती तो ये सब नहीं होता, लेकिन मेरा ट्रस्ट करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो साइन करने के बाद भी मैंने उसे डैड को नहीं दिया था। वो कहता है, हाँ, मुझे पता है, सो प्लीज डोंट क्राई, रोना बंद करो। और हाँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और रही बात तुम्हारे डैड के बारे में पता लगाने की, तो मैं उसमें भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो प्लीज आज के बाद कभी मुझे छोड़ के मत जाना। अब हीरो इतना मनाए और हीरोइन ना माने, ऐसा हो सकता है भला? सो फाइनली यहाँ इतना इंतजार करने के बाद इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। अगले दिन सुशन जब ऑफिस में स्माइल कर रहा था तो दूर से तानशीन एंड लियाओ उसे देख रहे थे। वो नुआन को काफी सारे मैसेज सेंड करता है, इमोजी सेंड करता है, बट वो कहती है, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। जिसे देखकर बेचारा सुशन वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। वो अपनी फिंगर में रेड पेन से चोट का निशान बनाकर नुआन को सेंड करता है, बट जब वो काफी देर तक नहीं आती तो खुद से कहता है, ओ गॉड, कितना टाइम हो गया, वो आ क्यों नहीं रही है, क्या उसे मेरी चिंता नहीं है? वो कहती है, लाओ अपना हाथ दिखाओ। अरे, बट यहाँ तो कोई चोट ही नहीं लगी। वो कहता है, हाँ, बट थोड़ी देर पहले बहुत ही सीरियस थी। नुआन कहती है, ठीक है, टेक केयर, एंड वहां से जाने लगती है, बट सुशन उसे रोक लेता है। नुआन कहती है, व्हाट आर यू डूइंग, हम ऑफिस में हैं।
वेल, वो दोनों कुछ ऐसा करने ही वाले थे, पर तभी सामने से लियाओ आ जाता है एंड नुआन भागते हुए वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।